हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वर्गो पापा। और मेरा नाम है हिमांशु सैनी। और जैसा आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं एविएशन फ्रॉड के बारे में, जो मेरे साथ भी हुआ है और मैं नहीं चाहता आप लोगों के साथ भी हो। तो इस वजह से मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। तो एविएशन फ्रॉड के बारे में मैं बात करना चाह रहा था, वो क्या है कि सन 2011 में मैं दिल्ली आया, सन 2011 में जब मैं दिल्ली आया, तो दिल्ली आके मेरा एक फ्रेंड था यहाँ पे आदित्य, उससे उससे मेरे कांटेक्ट हुए और हम दोनों ने एक प्लानिंग करी कि भाई कैसे जॉब लगानी है, कैसे क्या करना है। और हमारे कॉलेज का ही एक फ्रेंड था जिसने आदित्य को एक बंदे का कांटेक्ट दिया कि ये बंदे से आप कांटेक्ट करो, ये आपकी नौकरी जो है लगवा दे। पर ऐसा था कि आपको पता है कि मैं देहरादून एल्पाइन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स से पढ़ा हूँ और AAM भी मैंने किया हुआ है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। तो वो सब के चलते अपने को क्या था ना कि जॉब तो अपने को एयरपोर्ट पे ही करनी थी, मतलब कि एविएशन में एंट्री लेनी थी, बाकी अंदर क्या होना था, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाना था या क्या, कहाँ कैसे करना था, टेक्निकल डिपार्टमेंट से कहाँ शुरुआत करके AAM बनना था, वो सब डिपेंड करता था कि एक बार एंट्री कैसे होगी एविएशन। तो मतलब जिस बंदे ने हमें उसका नंबर दिया था, वो बंदा नहीं था वहाँ पर, उसका कोई रोल नहीं है इसमें, उसने सिर्फ नंबर दिया था, मतलब कॉन्टैक्ट नहीं। अब पता नहीं उसने क्या सोच के दिया था, क्या सोच के नहीं दिया था, नाम मैं नहीं लूंगा उसका। लेकिन मैं और एडी, हम आदित्य को मैं हम लोग मतलब आपस फ्रेंड सर्किल में एडी कहते हैं, तो मैं और एडी हम जो है उससे मिलते रहे, लड़के से। उसको हमने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ सबमिट किए, उसने जो है कहा कि भाई ठीक है तुम्हारी नौकरी लगवा दें। अब इंडिगो जो एयरलाइंस है जहाँ पे फिलहाल मैं काम करता हूँ, इंडिगो एयरलाइंस के साथ पहले पार्टनर जो सर्विस पार्टनर जो हुआ करते थे वो होते थे लॉयन और अरुण, जो अब नहीं, अब इंडिगो खुद की एयरलाइन कंपनी जो है वो हमारी सर्विस पार्टनर है, वो भी इंडिगो का ही एक पार्ट है। पहले लॉयन और अरुण होते थे जो थर्ड पार्टी। तो उस बंदे ने हमें कहा कि मैं तुम्हें लॉयन कंपनी में लगा दूंगा जो इंडिगो के लिए ही काम करती है, थर्ड पार्टी है, और जैसे आप उसमें एंटर हो जाओगे आप उसके बाद अपना इंडिगो में जैसे जैसे ट्राई करते रहना और आगे चले जाना, ठीक है भाई लगवा दे तो किसी भी तरह लगवा दे। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि भाई पैसे की कुछ डिमांड करी उसने, अराउंड 50,000, मतलब 50,000 रुपये की उसने डिमांड करी हमसे। खैर हमने थोड़ी बातचीत करके, अब भाई 40-45 में बात होगी, 40-45 में बात होने के बाद उस बंदे ने कहा ठीक है जी तुम्हारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तुम मुझे जो इतने इतने पैसे एडवांस दे, मतलब 15-15 हज़ार रुपये एडवांस दे दो। लगभग हमने उसको 45,000 रुपये एडवांस दिए, 15 मेरे, 15 आईडी के, 15 मुकेश के। मुकेश मेरा फ्रेंड है जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, वही मेरा रूममेट रहा है। तो मुकेश को मैंने पहले बता दिया कि मुकेश ऐसे ऐसे करके यहाँ पे जॉब लग रही है, और अगर तू इंटरेस्टेड है तो भाई तू भी आ जा, दोनों साथ ही करेंगे, क्योंकि हम लोग कॉलेज टाइम से साथ थे। तो मतलब मैंने सोचा भाई अब मेरी लग रही है तो मैं उसकी क्यों ना उसको क्यों ना हेल्प करूँ। मैं उसको भी बताया, वो भी कौन नहीं चाहेगा कि एविएशन में नौकरी लगे, वो भी एविएशन का कोर्स करने के बाद, AAM करने के बाद। तो भाई हम लोगों ने जो है उसको 15-15 हज़ार रुपये करके 45,000 रुपये दे दिए, और उससे एक छोटा सा उसकी आईडी का हमने फोटो कॉपी ले दी, मतलब प्रूफ के तौर। अब हम दिल्ली में ठहरे नए आदमी, हमें पता नहीं कौन फ्रॉड है, क्या फ्रॉड है, कैसे फ्रॉड करते हैं। उस बंदे ने हमसे 45,000 रुपये लेके और अपना जो है चला गए, और अब तुम्हारी सैलरी जो है वो 8 से 10 के बीच में होगी। अब उस टाइम पे हमने सोचा 8-10 मिल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है यार, हमारे लिए नौकरी फर्स्ट नौकरी तो अपनी जो है, मैंने कहा चलो जो भी मिल जाए बस नौकरी लग जाए और फिर हम देख लेंगे। अब भाई उससे बात होने के बाद इकबाल को बुलाया, हम इकबाल को बुलाए और उसने हमें हमें जो हमारा पास होता है एयरपोर्ट एंट्री पास, उसकी नकली, मतलब नकली एयरपोर्ट एंट्री पास उसने बनाया मेरे नाम का और आईडी के नाम का और मुकेश के नाम का, और हमें ऐसे अपने फोन में फोटो दिखा कि देखो तुम्हारे पास रेडी हो गए, बस 2-3 दिन में मेरे पास आ जाएंगे, फिर तुम्हें मैं पास दे दूंगा, तुम मेरे पैसे दे देना, तुम जाके ज्वाइनिंग कर लो, ठीक है। ये बात ना कोई ओपन लेटर, ना कोई कोई ज्वाइनिंग लेटर, ना कोई, बस उसने कहा बस तुम्हारी एंट्री हो गई है, बस तुम इतना समझ लो और बस तुम्हें पास मिल जाएंगे, तुम्हें क्या दिक्कत है, उसके बाद जाओ अपना वहाँ पे बात कर लेना, मैं नंबर दे दूंगा जो बंदा होगा तुम्हारा रिपोर्टिंग इंचार्ज, ठीक है भाई। 3-4 दिन बाद उसने वो नकली पास में पढ़ रहा था, इस टाइप का पास होता है ये देखो। तो ये उसने हमें नकली बना के दे दिया, हमें पता ही नहीं था नकली असली, हमें क्या पता, हमें तो पास मिल गया, तो नाम लिखा था हमारा एयरपोर्ट एंट्री पास। वैसे तो इसको BCS बनाती है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन। तो अब जो है उसने नकली पास हमें दे दिया, हम दोनों पूरे खुश, और हमने कहा कि ठीक है भाई हम पहले जाके ज्वाइनिंग कर लेते हैं, उसके बाद ही पेमेंट देंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा ना शक होने लगा, क्योंकि ना कोई लेटर है ना कुछ है। हमने कहा भाई पहले हम ज्वाइनिंग करेंगे, उसके बाद ही तुम्हें पैसे बाकी के हम देंगे। CSF वाले जो साहब थे उनको जो है अपना पास दिखाई थी, ये हमारा एयरपोर्ट एंट्री पास है और हमारी आज ज्वाइनिंग है, बताओ कहाँ जाना है, इंडिगो का ऑफिस कहाँ है, या फिर लॉयन, मतलब हमने बताया क्या पूछा कि मतलब इंडिगो का ऑफिस में जाना है जो हमारी ज्वाइनिंग है।
उन्होंने कहा आप कहाँ से आए हो? मैंने कहा जम्मू यहीं से आए, दिल्ली से इधर से आए। अच्छा, तो अब उसने कहा कि भाई देखो, या तो मैं पुलिस को बुला लेता हूँ या फिर तुम सच सच बता दो कि तुम्हें किसने भेजा है और तुम कहाँ से आए। अब हम थोड़े डर गए क्योंकि भाई हम लोग का फर्स्ट टाइम था यार। हमने कहा जी बताओ जी सर, बात क्या है कि बेटा ये पास जो तुम लेके घूम रहे हो ना, ये नकली है और तुम्हारे साथ फ्रॉड हो गया है, और जिसने भी किया है उसको अगर तुम्हारे कॉन्टेक्ट में है तो उसको अभी पकड़ लो, और पकड़ के भाई उससे अपने पैसे वैसे वापस ले लो। मतलब हमने उन्हें थोड़ा सा कहानी बताई, उन्होंने पूरा बता दिया, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा और तुम्हें जो है इस पास नकली पास लेके आने के यहाँ पे तुम्हें उठा के ले जाएंगे। हमने कहा सर हम माफी मांग रहे हैं आपसे। हमने उनसे हाथ बात जोड़ के माफी मांगी, जैसे तैसे वहां से हम दोनों भाई निकले, और हमारे दिमाग का जो मतलब पारा था वो चढ़ चुका था बिल्कुल हाई लेवल। मतलब उस टाइम ये लग रहा था कि बस आज जिंदगी खत्म हो, क्योंकि यार 15,000 45,000 रुपये तुमने किसी ऐसे बंदे को दे रखे हैं जिसे तुम जानते नहीं पहचानते नहीं, और अब वो तुम्हारा कोई इससे कॉन्टेक्ट लेना देना नहीं रहा। बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई, मतलब दिमाग बिल्कुल का यार। एक उस बंदे को ढूंढते हैं हम, एडी ने कहा यार कैसे मिलेगा वो, अपना फोन उठा रहा है ना कुछ कर रहा है। मैंने कहा भाई ढूंढने में क्या जा रहा है, एक बार ट्राई तो कर लेते हैं। तो भाई हम, मैं, एडी, और तो अब थोड़ा सा इंजीनियर वाला दिमाग है तो थोड़ा सा काम कर गया। उस टाइम पे मैंने उस बंदे की एक अपने फोन में फोटो ले ली थी, ऐसे पैसे देते थे। वो फोटो हमारे कितनी काम आई ये आपको भी बताता हूँ। हम गए पालम, एडी ने कहा कि मैं उससे बंदे से पहली बार पालम में मिला। पालम चले गए हम, पालम में हमने एक जगह जाकर गाड़ी लगा दी अपनी, और सुप्रीता को गाड़ी भी छोड़ दिया। हम दोनों जो है ढूंढने निकल गए उसको। हमने क्या किया, उसकी फोटो को अपने दोनों के फोन में ट्रांसफर करके हमने उसको जूम करके अपना लोगों को दिखाना शुरू कर दिया कि भाई देखो ये बंदा है, फोटो देख लो इसकी, ये मिला है क्या, ये कहीं देखा है क्या, आपने कहाँ रहता है। और भाई मतलब भगवान ने साथ दिया थोड़ा सा उस टाइम पे, ऊपर वाले की कृपा ऐसी रही कि विद इन आवर हम जो है उस बंदे तक पहुंचने वाले थे। बीच में एक शॉप पड़ी, वहां पे 4-5 बंदे बैठे। उन 4-5 बंदों पर जब हमने उस बंदे की फोटो दिखाई तो वो ना थोड़ा शॉक हो गया, और शॉक होने के बाद मेरा उन पर दिमाग अटक गया कि भाई इनको पता है ये बंदा था। मैंने एडी को बोला भाई इनसे पूछते हैं, इनसे पूछते हैं, इनको पकड़ते हैं। एडी ने कहा हम दोनों यहाँ पे क्या कर लेंगे, पालक जैसा एरिया है भाई, इन लोगों का एरिया है, हम तो यहाँ पे मतलब ऐसे आए हैं, हमसे कुछ पूछेंगे मार मार के ना भगा दें क्या, मतलब इनका कोई जानने वाला मामला हो रहा था। मैं बिल्कुल गुस्से में था, बहुत तगड़े था। मैंने कहा ये मिला भी गया। तो जी हुआ क्या, वो बंदे को ढूंढते 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 एक बंदे ने उनसे बोला कि भैया आगे एक दुकान है वहाँ पूछो। उस दुकान पे हमने जाकर फोटो दिखाई कि सर आप उसको जानते होगा, दुकान वाले भैया जो है हमें नौकरी लगवाना चाहता था एयरपोर्ट पे, और ऐसे ऐसे बात। उन्होंने कहा सच बताओ उसका नंबर क्या है तुम्हारे पास। हमने नंबर दिखाया, ये नंबर है, ये नंबर बंद दिखा। उस बंदे ने दूसरा नंबर मिलाया, उस बंदे को फोन लगाया कि देखना आवाज से पहचानना कि यही है, और वो बोला हेलो स्पीकर पे उन्होंने फोन कर दिया। तो भैया ने कहा कि तू कहाँ पर है, कि मैं तो घर पे हूँ। कि ठीक है तेरे से मिलने कोई आया, कि कौन आया, कि भाई आदित्य और हिमांशु नाम। तो जैसे ही हम दोनों का नाम उसको पता लगा, उस बंदे ने फोन काट दिया। हमने भैया से पूछा आप इसको कहे जानते हो, उसने कहा मेरा किरायादार रहता है, मेरे यहाँ किराए पे रहता है। ठीक है, कि मैंने कहा आपका घर कहाँ है, कि वो सामने ना घर। एडी भाग के हम भैया के घर की तरफ गया, और मैं भैया से बात कर रहा था कि भैया आप उसको यही बुला। तो जैसे ही हम उसके घर की तरफ जाने लगे ना भैया की, वो बंदा दीवार से कूद के भागने लग रहा था। तो जैसे वो भागने लग रहा था ना, एडी ने उसको पकड़ा और वो उसको मेरे पास ले आया। अब मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने उस टाइम क्या किया आप समझ सकते हो मैंने क्या किया होगा। उस टाइम मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ, मैं उस पर टूट पड़ा। उसके बाद जितने भी वहाँ के लोग थे पालम साइड के, जिन लोगों के मतलब जिनके यहाँ रेंट पे रहता था, वो लोग भी खैर उन्होंने कहा भाई देखो हमारे सामने इसको मारो वारो पर, आपको इसका जो भी करना है कर लो, पैसे ले लो इससे अपने, जैसे आपको जेल भेजना है, पुलिस में रिपोर्ट करनी है, जो मर्जी कर लो आप इसके साथ, लेकिन यहाँ से इसको ले जाओ। इसमें एक सबसे बड़ी बात क्या थी, गुस्सा इतना क्यों आ रहा था कि मैं अपने घर बता चुका था कि मेरी नौकरी जो है इंडिगो एयरलाइंस की ऐसे ऐसे करके एंट्री हो गई है, इतनी सैलरी मिलेगी, ऐसे ऐसे पास मिल गया है। तो मैं मतलब मेरे पापा बहुत खुश थे, और मेरे पापा की खुशी के बढ़ के मेरे दुनिया में मेरे से आगे कुछ। तो वापस जैसे तैसे हमने उसके एटीएम से भाई पैसे वैसे निकाले, दो एटीएम से पैसे निकालने पड़े। उस टाइम एटीएम की लिमिट भी 15-20 हज़ार रुपये ही थी, निकाल ली पैसे निकाल लिए। उसके अकाउंट में लगभग 3-3.5 लाख रुपये पड़े थे। कोई बात नहीं, हम एक बंदे ने ये भी बोला कि तुम उससे और पैसे ले लो। मैंने कहा नहीं, जितने हमने दिए थे उतने ही पैसे हम इससे लेंगे, पर इसको छोड़ेंगे नहीं, हम इसकी कंप्लेन जरूर करेंगे। मतलब एविएशन मैंने ज्वाइन कर लिया, मैंने सैलरी कंपनी ज्वाइन करी थी सन 2012 जून में। तो ये सफर जो स्टार्ट हुआ था जनवरी से स्टार्ट हुआ था दिल्ली का, अब सफर स्टार्ट हो गया।
और धीरे धीरे मतलब पता लगता रहा मुझे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे मिले जिनके साथ मेरे से भी बुरा बुरा हुआ कि हमसे 50,000 रुपये ले लिए और हमें नकली लेटर दे दिया, ये सब वो सब होता रहा। और अब लेटेस्ट आपको बताता हूँ, अभी एक साल पहले की बात है, मैं इंडिगो अपने ऑफिस में बैठा था, काउंटर में बैठा था, तो एक लड़की आई, मतलब बहुत ही सकल से तो देखने में, मतलब उनको देखने में कह सकते थे आपकी बहुत ही मतलब बेचारी बहुत लाचार सी लग रही थी मेरे को, बहुत ज़्यादा परेशान थी वो, बिल्कुल गरीब घर से थी, उसके पापा बेचारे आए थे साथ में, बहुत दिक्कत में थे वो, तो उन्होंने आके मेरे को एक लेटर दिया कि ये लो जी। तो मुझे लगा कि शायद कुछ काम से आए भाई, एयरपोर्ट पे तो काम से ही आते हैं सब। मैंने देखा लेटर, मैंने कहा सर इसका क्या करना है मुझे, उन्होंने कहा कि ये, फिर वो लड़की बोली कि सर ये ना मेरी ज्वाइनिंग है। मैंने कहा ज्वाइनिंग है, मैंने कहा ज्वाइनिंग है तो आप ऊपर बात कर लो ऊपर मैनेजमेंट से या फिर एचआर को जाओ, यहाँ पे ज्वाइनिंग थोड़ी होती है मैडम। मैंने वो समझा कि नहीं सर हमें तो यहीं आने के लिए बोला था और यहीं बोला था कि आपकी ज्वाइनिंग होगी आज। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने उनसे पूरी क्लियर बात करी, मैंने कहा आपके साथ हुआ क्या है। उन्होंने बताया कि एक लड़का है उसने हमसे लगभग 20,000 रुपये ले रखे हैं और ये उसका नंबर है और ये उन्होंने मेरे को दिखाया, मतलब वो जो बैंक में पैसे डालने की स्लिप होती है उसमें 20,000 रुपये उन्होंने जमा कर रखे थे उसके अकाउंट में और ये उसका अकाउंट नंबर है और उसने हमें बोला था इतनी तारीख को इतने बजे वहाँ चले जाना। और तो उन्होंने क्या किया मतलब जो अपना, फिर मैंने उन लोगों को बताया कि आप इस बंदे का नाम वगैरह निकलवाओ, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल निकलवाओ, इसका एड्रेस निकलवाओ और इससे बात करो, तो इसने आपके साथ कर दिया फ्रॉड, तो इसको कोशिश करो कि आपका पैसा वापस आ जाए। और इंडिगो में अप्लाई करने का तरीका क्या है या किसी भी एयरलाइंस में अप्लाई करने का तरीका क्या है, उसकी ऑफिशियल साइट पर जाके ही आप अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पर कैरियर पॉइंट होता है उसमें जाके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ रिश्तेदार वगैरह हैं जो मेरे पास बीच बीच में, वो तो ये है कि उनके टच में मैं हूँ, मतलब उनको पता है कि हमारा एक है भाई वहाँ बंदा काम करता है एयरपोर्ट पे, तो उसको इस बारे में नॉलेज होगी, तो वो लोग मेरे से कंफर्मेशन ले लेते हैं कई बार कि भाई हमारे पास यहाँ से ऐसे ऐसे कॉल आई थी, इतने पैसे मांग रहे थे, इस कंपनी में लगवाने के लिए कह रहे थे। तो मैंने बहुत लोगों को समझाया, गाइड किया कि ये सही है या गलत है, कुछ लोगों का सही भी था कुछ का गलत भी था। तो मैं इस फ्रॉड में फंस चुका हूँ और मैंने अपने सामने दो तीन लोगों को, बहुत सारे लोगों को भी देखा है मैंने फ्रॉड में फंसते हुए, और ये सबसे फ्रॉड काम पालम और महिपालपुर में होता है, मतलब यहीं पे लोग रहते हैं। इनका क्या होता है कि कुछ कनेक्शन होता है एयरपोर्ट से, या तो इनका कोई फ्रेंड सर्किल में बंदा एयरपोर्ट पे काम कर रहा होता है जो इनको इन्फॉर्मेशन बता देता है कि भाई इस कंपनी में वैकेंसी निकली हुई, और भाई तो ये लोग क्या करते हैं बंदों से कॉन्टैक्ट बनाते हैं और वैकेंसी के नाम पर बंदों को बुलाते हैं और भाई पैसे मांगते हैं, इतने पैसे में इतना काम हो जाएगा। और जो बंदा इनका एयरपोर्ट पे काम कर रहा है उसको पकड़ा देते हैं रिज्यूम कि ले भाई जाके कंपनी में डाल देना, वो कंपनी में डाल देता है, लग भाई चांस उनमें 10% लोगों पे कॉल चली जाती है इंटरव्यू के लिए, और जिन पे 10% कॉल चली जाती है इंटरव्यू के लिए उनसे तो वो पैसे लेते ही लेते हैं हक मार के कि भाई हमने तुम्हारा करवाया, हमने इतने पैसे में बात करी तो हम तो तुम्हारा हमसे पैसा लेंगे ही लेंगे। कुछ लोगों पर कॉल नहीं भी आती, ठीक है, उनको वो ज़्यादा देखते रहते हैं, उनसे थोड़ा बहुत पैसा लेके रखते हैं और चलता रहता है उनका प्रोसेस 2-4 महीने 6 महीने, किसी किसी के पैसे खा जाते हैं किसी किसी के दे देते हैं, ये है इनका काम, ठीक है। तो मैं इस फ्रॉड में फंस चुका हूँ और मैंने अपने साथ वालों को भी, बहुत लोगों को बचाया भी है, बहुत लोगों को फंसते हुए देखा है। आप लोग इस फ्रॉड में ना फंसे इसलिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहिए, और अगर आपको अच्छी लगी हो समझाना है तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आपको अच्छी लगे तो दूसरों के साथ शेयर कर देना अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके साथ यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले व्लॉग में, थैंक यू सो मच।